देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लोग इतना परेशान हैं कि नई नई तकनीक खोज रहे हैं। कोई सीएनजी लगवा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को खरीद रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, अयोध्या में ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है। मिश्रा जी हैं इसका ऑनर। अभी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि इस गाड़ी में कौन सी फैसिलिटी है, कितनी देर में चार्ज होती है, कई किलोमीटर चलती है और इसमें क्या क्या है। हमारे मिश्रा जी हैं ऑनर। मिश्रा जी, आपको बधाई नई गाड़ी लेने के लिए। धन्यवाद। शुभ नाम क्या मिश्रा जी आपका? श्रेष्ठ मिश्रा। अच्छा जी। सबसे पहले गाड़ी आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जी, जी। बैंगलोर में सिंपल एनर्जी नाम से जी जी जी। तो इस वजह से हमने सोचा कि अब जितनी भी गाड़ियां हम खरीदेंगे अपने घर में सारी इलेक्ट्रिक ही होंगी जी जी जी। बहुत साहस का काम किया। यहां लोग पहले प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले कोई ले उसके बाद शुरू कर दिए। लीजिए, आपने शुरुआत कर दी, उसके बाद अयोध्या में गाड़ियों की आने की शुरुआत। एक मिनट अपनी गाड़ी के बारे में बता दें, इसमें क्या है, कई किलोमीटर ये चलती है एक बार चार्जिंग में? जो ARAI सर्टिफाइड रेंज है वो 306 किलोमीटर की है, बट एक्चुअल रेंज आपको 200 से 220 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, जो कि अगर आप लखनऊ जा रहे हैं या इधर आसपास 50-60 किलोमीटर पर डे ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी रेंज होती है आपके उतने लिए जी जी। ये बताइए कितनी देर में चार्ज होती है? नॉर्मल आप घर पे चार्ज करेंगे तो 3 किलोवाट का चार्जर मिलता है जो आपको करीब 8 से 9 घंटे चार्ज होती है, और फास्ट चार्जिंग में आपको करीब 0 से 80% आपका 60 से 65 मिनट लगता है। अच्छा अच्छा 60 से 65 मिनट लगता है। इसका इंजन तो होता नहीं, ये पावर कितनी होती है इसमें? इसका पावर जो होता है वो आपका IC इंजन जो व्हीकल होता है, जो ट्रेडिशनल व्हीकल होते हैं, उनसे ज़्यादा ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर का इस्तेमाल होता है जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है पावर डिलीवरी में जी। ये तो साइलेंट रहती होगी एकदम? हाँ जी जी। कोई आवाज़ तो आती नहीं? नहीं, थोड़ी आवाज़ आती है क्योंकि कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो फ़ैन होता है उसमें जो चलता है, जो कूल करता है पूरे बैटरी और मोटर को। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई आपकी? इसमें कई सारी चीज़ें, जो आपका कनेक्टेड फीचर, आपको मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कितना चार्जिंग है, क्या है, सारी चीज़ें आप इसको ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम जी जी। एक बार मिश्रा जी जरा बैठ के दिखाएं आप, और एक बार हम आप एक बार चला के एक बार बैठने का मौका मिले आपके साथ में। चलिए आइए। देखिए, मैं इलेक्ट्रिक कार में बैठ चुका हूँ। इस समय मेरे साथ हैं भैया, शुभ नाम क्या भैया? अर्चित श्रीवास्तव। अर्चित श्रीवास्तव यार, पगड़ी बांधे वो सरदार वाली यार। अरे सर, वो अच्छा आदत पड़ गई अब। अच्छा अच्छा, ऐसा है श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि अब एकदम साइलेंट है यार एक तो गाड़ी? एकदम साइलेंट। अच्छा, अच्छी चीज़ है इसमें। ये AC कहाँ से ऑन होती है इसमें? AC सर, ये अच्छा, ये AC का वेंट अगर ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ये हो गया आपका फ़ैन की स्पीड जी जी जी। ऐसे अच्छा, से ये फ़ैन की स्पीड फुल। हाँ, फैन तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका जी। ये बताइए कि इसकी स्पीड कितनी होती? इसकी टॉप स्पीड जो नॉर्मली अभी तक जो लोगों ने चलाई है या यूट्यूब पे जो मैंने देखा है वो अप्रॉक्स 120 तक जाती है टॉप स्पीड मैक्सिमम। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी अगर आप सोचिए, अगर सपोज करिए आप हाई पुल के ऊपर हैं और उस टाइम पे अगर आप डाउन जा रहे हैं तो 2-4 स्पीड बढ़ जाती है, मतलब 124 तक मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। अच्छा, ये RTO रजिस्ट्रेशन वगैरह सेम वही प्रोसीजर है कि कुछ इसमें अलग? अभी तो सर सरकार ने जो कहा है, अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि EV पे जो सब्सिडी दे रहे हैं 1 लाख रुपये की, उसका भी प्रोटोकॉल शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है तो उसमें 1 लाख नई गाड़ियां, जो 25,000 गाड़ियां EV निकलेंगी उस पर शुरुआत के 25,000 गाड़ियों पे 1 लाख का डिस्काउंट मिलेगा जी जी, और प्लस जो उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो माफ़ हो जाएगा। यार इसमें सब्सिडी का कौन, ये इस कितनी रेट की गाड़ी है? ये अप्रॉक्स आपकी गाड़ी 14 लाख की पड़ती है। 14 लाख की गाड़ी पड़ती है, मुश्किल से 7-8 लाख में गाड़ी मिल जाती है पेट्रोल डीजल वाली। तो सर मैटर ये होता है कि आने वाले 5 साल में अगर आप एक आदमी डेली 70 किलोमीटर की ऑफिस रनिंग करता है जी जी, तो आने वाले 5 साल में वो लगभग 7 लाख रुपए बचाएगा। नहीं नहीं, वो तो बड़ी प्रदूषण की वजह से और हर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, पेट्रोल डीजल के दिन दिन इतनी ज़्यादा लोड होता जा रहा है। रेट भी देखिए, पेट्रोल और CNG लगभग अब बराबर हो चुका है। बराबर नहीं हो चुका, CNG 2.5 रुपये ज़्यादा हो गई। अब वही मतलब अभी तो खैर मैं चला ही नहीं रहा हूँ CNG, लेकिन हाँ लोगों से जो सुना हूँ मैं वो यही है कि उसका रेट लगभग बराबर होने के कगार पे आ गया था। अभी रिव्यू करके आ रहा हूँ CNG की कंडीशन, 2.5 रुपये रेट ज़्यादा है और लाइन और अवेलेबल भी नहीं रहता, कुल मिला के पेट्रोल से महंगी पड़ रही है। जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपका लो मेंटेनेंस भी है EV गाड़ियों में। अच्छा अच्छा। नॉर्मली क्या डीजल गाड़ी या CNG गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 महीने में 10,000 किलोमीटर के पार जब आप सर्विस कराने जाएंगे तो लगभग 4 से 5,000 रुपये खर्चा आता है। इसमें वही आपका दो सामान केवल डालना है, कूलेंट डल केवल वही जो नॉर्मल हर गाड़ी में कूलेंट डलता है वो डलेगा, और एक दो जो इंजन ऑयल, क्योंकि इंजन है नहीं इसमें, मोटर है, जो बाकी सब अरे नट बोल्ट्स पे या उस पे जो ऑयल डालना होगा मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2,000 रुपये का खर्चा होगा अगर आप सर्विस कराने जाते हैं 10,000 किलोमीटर के पार पे।
डेढ़ से 2,000 रुपये खर्चे, तो बाइक बाइक भी 700-800 रुपये खर्चा। जो हमने टाटा मोटर्स के सर्विस पे बात की थी, उन्होंने हमको यही बताया था कि 2,000 तक का आप मान के चलिए ओवरऑल जो खर्चा आता है पहली सर्विस पे। ये शायद अयोध्या में पहली गाड़ी है सर, हमने तो दो गाड़ियाँ देखी थी, बाकी अगर आप क्योंकि हमने उस पर UP42 का रजिस्ट्रेशन देखा था, टाटा टिगोर ही थी वो, नए मॉडल में हम कह सकते हैं कि ये पहली गाड़ी है। बाकी जो वाइट वेरिएंट आई थी टाटा की, वो यहाँ पे शायद फैजाबाद में दो गाड़ियाँ थी हमने जो देखी थी। अच्छा ये बताइए कि गाड़ी कहाँ से लेकर आए हैं आप? सर लखनऊ से लेके आए। लखनऊ में मिल रही है? क्योंकि फैजाबाद में अभी फरवरी के बाद डिलीवरी, हम गए थे यहाँ पे तो इन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ जो डिलीवरी होगी वो फरवरी के बाद होगी। ये कितनी स्पीड चल रही है इसमें अभी? सर 27 की स्पीड। 27। अब जैसे इसमें मोड है, ये आपका ड्राइव मोड है। हाँ। अच्छा अच्छा दिखा, ये ड्राइव मोड है। जी, ये ड्राइव मोड है, आराम से अगर आपको चलना। हाँ। अब इसी में आपको ओवरटेक करना, इसी में आपको अगर ओवरटेक करना तो ये आपका स्पोर्ट मोड हो गया। आप देखिए पिकअप, अब ये पिकअप देखिए, पिकअप गजब का पिकअप, ये पिकअप, और गाड़ी में 1% आवाज नहीं, ये चीज। और सबसे बड़ी बात है, अब जैसे आपने एक्सलेशन छोड़ दिया, अब इधर आप देख रहे होंगे तो ये इंडिकेशन आपको दिख रहा है कि नहीं? जी जी जी। इस इंडिकेशन से क्या होगा, ये गाड़ी एक तरीके से अपने आप को चार्ज कर रही है। अच्छा अच्छा। रीजनरेशन करी, जब उसमें ब्रेक लगती है तो गाड़ी अपने आप बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होने लगती है। अच्छे, तो उसमें आपको ओवरऑल अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो ओवरऑल आपको 10 किलोमीटर का फर्क मिल जाता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपने बताया 210 किलोमीटर तक ही जाती है एक बार में, तो कहने का मतलब जो भी अपना ट्रेवल बनाए, जो भी अपनी यात्रा बनाए, फुल कैलकुलेटेड आप ट्रेवल करिए। सपोज करिए आपको यहाँ दिल्ली जाना है तो आप पहले यहाँ से गाड़ी 100 पे लेके जाइए, शांति से लखनऊ में जाइए जहाँ आपको चाय पानी नाश्ता करना हो, वहीं कहीं आसपास कोई ऐसा चार्जिंग पॉइंट देखिए जहाँ 40 मिनट 50 मिनट में आपका 70% पार हो जाए। फिर वहाँ से गाड़ी निकालिए, कानपुर जाइए, फिर वहाँ 15-20 मिनट का रिफ्रेशमेंट लीजिए, आप चार्ज करिए। ऐसे 3-4 पॉइंट में, मतलब कुल मिला के मैक्स टू मैक्स आपका 700-800 का खर्चा आएगा, आप दिल्ली पहुँच जाओगे बिना टोल प्लाजा देने के। मतलब टोल वाला भी मैं जोड़ा नहीं हूँ। अच्छा टोल प्लाजा पूरा दे, वो अभी छोड़ा हूँ मैं, अभी टोल प्लाजा का रेट नहीं जोड़ा हूँ। मतलब केवल जैसे पेट्रोल आप डलाते लगभग 6,000-7,000 का लग जाता है, इसमें केवल 12 संभाल के इसमें 1,000-1,500 रुपये में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और टोल जो लगता हो वो लगता है। अच्छा इसमें बैटरा बड़ा वाला लगता होगा इसमें? इसमें 26 किलोवाट की छोटी छोटी बैटरी है, जो आपका बैठने वाला हिस्सा नीचे पैनल, जी जी जी, इसी के नीचे पूरी बैटरी लगी हुई है। अच्छे अच्छे। 7-8 साल की वारंटी रहती है, उसके बाद आपको नई फिर से इंस्टॉल करानी। अभी ऐसा कुछ नहीं आया कि अपने आप रिचार्जिंग हो जाए जैसे और गाड़ियों में होता है, अपने आप चार्ज होता रहता है? अपने आप चार्ज नहीं समझ रहा हूँ, मतलब कैसा चार्ज, जैसे इसमें क्या है कि अब जैसे मैंने एक्सलेशन, जैसे अब ये देखिए, इधर देखिए आपको ये डिस्प्ले में इधर दिख रहा है ना मीटर, ये बढ़ रहा है। अब मैं छोड़ूंगा ये तो अब इधर बढ़ने लगेगा, ये एक तरीके से खुद को चार्ज कर रही है गाड़ी। अच्छा। ब्रेक लगने पे जी जी जी, वो अपने आप पॉइंट में कुछ ना कुछ दशमलव में वो धीरे धीरे चार्ज करती है। मतलब ये मान के चलिए कि एक सिस्टम बना के चलिए कि 200 किलोमीटर के बाद आपको चार्जिंग पॉइंट पे, अगर आप एवरेज स्पीड 70 तक चलाते हैं और ज़्यादा पिकअप और वो नहीं लेते हैं, नॉर्मल ड्राइव करते हैं, तो आपको 200 का एवरेज बहुत आराम से मिलेगा। 21 सीटर गाड़ी भी है ये भैया? 5 सीटर। 5 सीटर गाड़ी है, ड्राइवर इंक्लूड करके, ड्राइवर छोड़ के 4 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। मतलब अभी अयोध्या में तो इसकी कोई एजेंसी नहीं है? नहीं अभी नहीं, टाटा मोटर्स ने कहा है कि हम फरवरी में आपको दिलाना शुरू कर देंगे। अच्छा। अभी फरवरी से पहले यहाँ पे डिलीवरी नहीं शुरू। ये टाटा की ही गाड़ी है? जी। इस गाड़ी का नाम क्या है? टाटा टिगोर ईवी। अच्छा। इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाले समय में जो स्थिति चल रही सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो ही जाएंगी, अभी तो शुरुआत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जहमत कौन मोल ले। हमारी इंडिया में ये चलता है, शुरुआत होनी चाहिए। कौन उठाता है, सही बात। चलिए आपने, होता क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए फैजाबाद में एक ही चार्जिंग पॉइंट है, जब फैजाबाद में यहाँ डिलीवरी शुरू हो जाएगी और 50 गाड़ियाँ अगर अयोध्या में आ गई तो आपको फिर चार्जिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। क्योंकि उसका भी भाई खर्चा है, वो भी भाई चार्ज है, नेचुरल है, तो वो जब उसको मिलने लगेगा तो आपको भी भाई फैसिलिटी मिलेगी। जी जी जी। यही सब चीज़ें हैं। नहीं पिकअप भी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ है कि स्मेल जो आती है वो स्मेल, आप अगर शीशा खोल लीजिए आपको गाड़ी में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जी जी। 1% गाड़ी में देखिए आवाज़ नहीं। इसमें इसीलिए पब्लिक में चलाने में हमेशा हॉर्न दबाना पड़ता है, नहीं व्यक्ति हटता ही नहीं सामने से। हेलो हेलो। हाँ मैं बैठा हूँ इस समय इलेक्ट्रिक कार पर, जैसा कि मैंने देखा किसी पिकअप में कोई कमी नहीं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी चीज़ स्माइल नहीं आती है, एक साइलेंट मोड में है। अभी एक प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें है कि चार्जिंग वाला, ये सिस्टम ऐसा बना चले 200 किलोमीटर के बाद आप
चार्जिंग आपको करनी ही पड़ेगी, कहीं कोई चार्जिंग पॉइंट आपको पहले से चूज करना पड़ेगा कि आप जाते समय वो चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाए, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी आप ले सकते हैं। अयोध्या में भाई साहब ने अभी शुरुआत कर दिया है, अब इसके बाद देखिए, अभी शुरुआत करते हो डर लगता है लोगों को कि चूँकि नई नई चीज़ें आती हैं। चलिए आपने शुरुआत किया, उठा ले जाम, बिस्मिल्ला, जो होगा देखा जाएगा। आपने शुरुआत किया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद।